हेलो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी शेयर यू वन थिंग दैट रिसेंटली आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज अबाउट मेकअप ट्यूटोरियल फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड मेकअप लुक फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड ईजी मेकअप ट्यूटोरियल फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स ऑन सच टॉपिक्स एंड मुझे नहीं पता कि जो मतलब ऐसी वीडियोज बनाते हैं उनका मुझे नहीं पता, और जो जाती हैं स्कूल लड़कियाँ जो ऐसी वीडियोज देखती हैं वो ऐसा मेकअप करके जाती है, पता नहीं मतलब स्कूल्स में भी मेकअप अलाउ होता है क्या। मैं स्कूल जाती थी तो मैंने तो कभी मेकअप नहीं किया, मुझे नहीं पता लोग करते हैं कि नहीं करते आज के टाइम में, उस टाइम पर तो नहीं करके जाती थी। काजल भी बहुत बेयरली अलाउ होता था कि तुम काजल भी लगा सको, हम तो सिंपल जाते थे। और जो लड़कियाँ देखती हैं और मेकअप करके जाती है, मतलब सुबह का मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं सुबह जल्दी उठूँ वो भी मेकअप करने के लिए और उसके बाद मैं स्कूल जाऊँ, तो मैंने तो नहीं किया। और उस टाइम ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी, हमें तो काजल भी नहीं लगाने दिया जाता था, नॉर्मली जाते थे हम लोग वो भी तेल लगा के काफ़ी सारा और दो चुट्टी बनाकर। मुझे नहीं लगता कि मैं मेकअप करके स्कूल कभी भी जाती, अगर इस टाइम में मैं स्कूल जा रही होती तो मेकअप तो मैं अभी भी अप्लाई नहीं करती ऑब्वियसली। सो जो मैं करती जिस तरीके से मैं रेडी होकर अच्छे टाइम में जैसे जाती मैं वैसे रेडी होकर दिखाऊंगी सिंपल सी चीज़ें जो आपको मुझे लगता है डेली स्किन केयर रूटीन में भी ऐड हो जाएंगी और टाइम के साथ साथ आपकी स्किन और टाइम टू टाइम अगर तुम अभी से स्कूल टाइम पर ये चीज़ों को यूज़ करके रेडी होकर जाते हो तो श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आने वाले टाइम में या फिर जब तुम कॉलेज जाने लायक हो जाओगे तो तुम्हारी स्किन का टेक्सचर जो है स्किन है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं कैसे रेडी होती। सबसे पहले तो मतलब मैं क्या रेडी होती है, अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम अगर जाओगे तो मेकअप ट्यूटोरियल की जगह, वैसे तो अपनी इच्छा है अगर तुम्हें मेकअप करके ही जाना है तो ठीक है जाओ, बाकी मैं तो कहूँगी कि अवॉइड करो इतनी स्कूल के टाइम में कितनी एज होती है कि तुम मेकअप करके स्कूल जाओ और अभी उसी टाइम से अपनी स्किन को माना कि अच्छी क्वालिटी का भी मेकअप यूज़ करो पर फिर भी उससे भी तो स्किन ख़राब होती ही है ना। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि अच्छी चीज़ें लगाओ जिससे मतलब बाद में तो करना तो क्यों, जिस टाइम पे तुम्हारी स्किन अच्छी हो सकती है और सही होती है उस टाइम पे अपनी स्किन को ख़राब करो। तो मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर एज अ टोनर, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो हम स्कूल टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको टैप टैप करके ऐसे लगा लूँगी, तो ये वाला नॉर्मली सबको मिल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि तुम्हें इसे खरीदने के लिए काफ़ी सारे पापड़ मिलने पड़े, नॉर्मली ले सकते हो। बट टोनर आपका स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर ले लेना है लाइट वेट। आजकल मतलब ऑयली और ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ निविया का। इसके बाद कोई भी सही चीज़ सनस्क्रीन लगा लेनी है क्योंकि सनस्क्रीन सीरियसली बहुत मस्ट पार्ट होता है, तो इसके स्किप करने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जोब्स की, आई डोंट थिंक हाँ ये वाली आप ये वाली ले सकते हैं, और बताइए किसको कैसे लगानी है। आजकल तो धूप इतनी हो रही है, इतनी सारी चीज़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, तो मतलब ये नहीं होता कि खाली धूप से प्रोटेक्ट। इसे लगाने के बाद मैं तो लगेगा पता नहीं क्या लगा लिया वाइट वाइट, तो थोड़ी देर इसको लगा के 10-15 मिनट ऑब्जर्व होने देना है। उतनी ज़्यादा सही से ऑब्जर्व हो चुकी है, मैंने कोई मसाज या कुछ भी नहीं करा कि रब वब करा उसे कुछ भी नहीं करा। और मैं मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो लड़कियाँ मतलब ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल देखते हैं स्कूल जाने के लिए, वहाँ स्कूल्स में अलाउ है मेकअप करना या फिर उन्हें ये लगता है कि मतलब अगर अलाउ नहीं है और उनको ये लगता हो कि अगर वो इस टाइप के मेकअप ट्यूटोरियल और इजी हैक देख के करके चले जाएंगे तो टीचर्स को पता नहीं चलेगा। अरे ऐसा नहीं होता, मेकअप अलग से पता लगता है फेस पे, बेशक मतलब ऐसा नो मेकअप लुक हो चाहे कैसा भी लुक क्यों ना हो फिर भी पता लगता है फेस पर। तो ये अच्छे से हो गया है और मैं कोई आईब्रो वगैरह कुछ नहीं करने वाली नॉर्मली, क्योंकि मुझे नहीं लगता और मैं तो करती थी ऑब्वियसली। तो इसके बाद मतलब एक कोई अच्छी सी लिप बाम लगा लेनी है, वो भी विदाउट टिंट वाली हो तो ज़्यादा बेस्ट हो, इसमें SPF 15 है तो मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करके मोस्ट प्रॉब्ली जिसमें SPF मिल जाए इससे बेस्ट हो गया समझ में। लिप बाम SPF वाली लगानी चाहिए क्योंकि लिप पे भी टैन हो जाता है और लिप्स काले काले लगते हैं, तो वो टैन की वजह से लगता है ना। मैंने इतने टाइम से टोपी बनाई लेकिन भूल रही हूँ, ये मेरी लंबी लंबी कुछ छोटी है, लंबी तो नहीं है पर ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना मैं पढ़ नहीं सकती, अधूरी हूँ, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये रहा मेरा स्कूल बोरिंग मेकअप लुक उन लड़कियों के लिए जिनको ऐसे रेडी होना है एंड अपनी स्किन का भी ख्याल रखना और स्किन भी अच्छी रखनी है ताकि स्किन खराब ना हो।